गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? ऑल गुड, वेरी गुड। चलो शुरू करते हैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। ठीक है, इन द अर्लीस्ट सिटीज़ का मतलब यहाँ पर क्या होता है? इन द अर्लीस्ट मतलब कि प्राचीन शहरों के बारे में क्या होता था हमारे इंडिया में, या जितने भी अलग अलग कंट्रीज़ हैं इंडिया में नहीं, अलग अलग कंट्रीज़ में जो प्राचीन शहर हुए हैं उनके उनके अंदर क्या होता था, वो कैसे होते थे, उनके बारे में हम समझेंगे। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। देखो स्टार्टिंग में यहाँ पर दो बच्चे दिखाए गए हैं आपको, ये देखिए जसपाल एंड हरप्रीत। ओके, वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम व्हेन दे नोटिस द पीपल हु वर admiring and dilapidated old buildings that the children called haunted house। कि जसपाल और हरप्रीत जब बाहर क्रिकेट खेल रहे थे घर के बाहर, तो उन्होंने ध्यान दिया कि कुछ लोग जो है पुरानी बिल्डिंगों के बारे में, ओल्ड बिल्डिंग्स के बारे में बड़ी बातें बोल रहे थे कि भाई ये बिल्डिंग कैसे बनी कैसे नहीं बनी, उनके बारे में, जिनको बच्चे ज़्यादातर भूतिया घर कहा करते थे, हॉन्टेड हाउस। हॉन्टेड हाउस क्या होते हैं? भूतिया घर होते हैं। तो लोग उनके बारे में बातें कर रहे थे, ठीक है। तो और लोग फिर कहने लग रहे हैं, जैसे कि जब पुरानी बिल्डिंगों के बारे में लोग बातें कर रहे थे, तो वो बता रहे हैं लुक एट द आर्किटेक्चर, देखो इनकी आर्किटेक्चर स्टाइल कितनी अच्छी है, मतलब कि इनका जो बनावट है वो कितनी अच्छी है, ठीक है, इनकी वास्तुकला कितनी अच्छी है, ठीक है। सेड वन ऑफ देन, मतलब कि उनमें से एक आदमी ने बताया कि उस बिल्डिंग के बारे में कि देखो कितनी अच्छी आर्किटेक्चर है इसकी, ठीक है। Have you seen the fine wood carving? क्या तुमने इस प्रकार की लकड़ियों की कार्विंग कभी देखी है? उनमें से एक बोल रहा है ask one to woman, कि उसने एक औरत को बताया कि देखो कितनी अच्छी कलाकारी लकड़ी की गई है इसके ऊपर। तो ओल्ड बिल्डिंग जितनी भी होती थी ना, ओल्ड बिल्डिंग्स, उनके अंदर ये चीज़ें होती थी, ओल्ड बिल्डिंग्स जितनी भी होती थी उनके ऊपर इस तरह की कार्विंग की जाती थी। ओके, वी मस्ट राइट to the minister so that she makes arrangement to repair and preserve this beautiful house। कि फिर ये बातें करने लग रही कि हमें मंत्री से बात करनी चाहिए जो इस जगह का मंत्री है, कि ये जो पुरानी बिल्डिंगें हैं जो हमें दिखाई दे रही है, जो कि बच्चों के लिए तो हॉन्टेड हाउस जैसी है, लेकिन कितनी प्यारी बिल्डिंग है ये, कितनी अच्छी बिल्डिंग है, तो उसको प्रिजर्व किया जाना चाहिए, उसको संरक्षित किया जाना चाहिए, ताकि ये आने वाली हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, आने वाली जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, वो भी इन मोनूमेंट्स को, इन बिल्डिंग्स को देख पाएँ। ओके, वाई दे वंडर्ड, उनको भी इनको देखने पर आश्चर्य होगा, वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन ओल्ड एंड रन डाउन हाउस, क्या आप में से भी बहुत सारे लोग इसके लिए इंटरेस्टेड होंगे कि भाई पुराने जो हाउस हैं, ओल्ड हाउस ही जब, वो कितने कैसे बनाए गए, किसने बनाए, कितने इंटरेस्टिंग थे, कितने नहीं थे, उनके बारे में भी आप भी जानना चाहेंगे। ओके, तो देखिए इसी प्रकार से एक यहाँ पर दिखाया गया था स्टोरी ऑफ हड़प्पा। अब ये हड़प्पा क्या है बेटा? आप लोग जिस एरिया में रह रहे हो इंडिया में, यहाँ पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी। इंडस रिवर, इंडस क्या होती है, यहाँ पर रिवर है, इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन, ये यहाँ पर पहले हुआ करती थी। ओके, मतलब कि सिंधु नदी सभ्यता यहाँ पर हुआ करती थी, इसको इंडस को पहले सिंधु नदी भी हम कहते थे, ठीक है, सिंधु नदी। ओके, सिंधु नदी सभ्यता यहाँ हुआ करती थी, ठीक है। तो ये उसी के शहर के बारे में बता रहा है, द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा एक बहुत ही फेमस इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटी हुई है। अच्छा, उस टाइम में न केवल इंडस वैली सिविलाइजेशन आसपास हमारी हुआ करती थी, और अफ्रीका के अंदर नाइल रिवर सिविलाइजेशन भी, ये तो इंडिया की है, ये तो देखो इंडिया की सिविलाइजेशन है। ओके, लेकिन इंडिया के अलावा भी अलग अलग कंट्री में, जो जैसे अफ्रीका है या फिर यूरोप है या फिर अमेरिका है, इनमें भी अलग अलग सिविलाइजेशन हुआ करती थी। जैसे कि मैं ये कहूँ कि अफ्रीका के अंदर नाइल रिवर, अफ्रीका के अंदर नाइल रिवर सिविलाइजेशन हुआ करती थी। ओके, नाइल रिवर सिविलाइजेशन, और अमेरिका के, ठीक है, या फिर जो ईरान इराक है, जिसको कहते हैं हम ईरान इराक के आसपास मेसोपोटामिया हुआ करती थी, मेसोपोटामिया ये हुआ करती थी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। तो हम सिर्फ अपने
अपनी रिवर सिविलाइजेशन के बारे में यहाँ डिस्कशन करेंगे। अलग अलग कंट्री में जो जो हुई है, नाइल रिवर है, ईरान की मेसोपोटामिया है, चाइना की हवांगो वैली भी हुआ करती थी, हवांग, ठीक है, हवांग हो वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, तो ये हुआ करती थी हवांग हो वैली सिविलाइजेशन। देखिए मैं लिख देता हूँ ठीक से इसको, हवांग हो वैली सिविलाइजेशन, ये देखिए ये हुआ करती थी पहले, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया में ही थी, सब जगह पर थी। तो देखिए आइए जाने हड़प्पा के बारे में। ओके, वेरी ओफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव ए स्टोरी टू टेल, कि बहुत सारी बिल्डिंगों की अपनी अपनी कहानियां हैं। प्राय आपने देखा होगा कि सभी बिल्डिंगों की अपनी कहानियां होती है। नियरली 100 और 50 ईयर्स एगो, 100 साल या 50 साल पुरानी कोई ना कोई कहानियां उनसे जुड़ी होती है। वैन रेलवे लाइन्स वर बींग लेड डाउन इन द फर्स्ट टाइम, जब रेलवे लाइन पहली बार अलग अलग कंट्री में, जैसे पहले तो इंग्लैंड में सबसे पहले रेलवे लाइन शुरू हुई थी 1725 के आसपास, फिर इंडिया में 1853 में शुरू हुई है रेलवे लाइन। तो जब आपने पहली बार बींग लेड डाउन द फर्स्ट टाइम इन पंजाब, जब पहली बार रेलवे लाइन पंजाब में डाली गई इधर उधर इंज, या फिर ये बॉम्बे की पहली रेलवे लाइन मानी जाती है मुंबई टू ठाणे, तो इंजीनियर्स स्टबल्ड अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, ठीक है, कि उन्होंने पहली बार इस साइट को देखा, इस जगह को देखा जो आजकल पाकिस्तान में है। नहीं समझ रहे हो, मतलब कि ये बताना चाह रहा है कि जब पहली बार रेलवे लाइन यहाँ पंजाब में डाली जा रही थी उस समय इनको ये शहर मिला ब्रिटिशर्स को, ठीक है, हड़प्पा वैली। उस समय जो हमारे इंडिया में जो ब्रिटिशर्स होते थे उस समय आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेड कनिंगम थे, कनिंगम ब्रिटिश हेड बताते हैं। तो उस टाइम में इन्होंने ये जब रेलवे लाइन यहाँ बिछाना शुरू किया तब इनको हड़प्पा, जो इंडस वैली का ये एक शहर हुआ करता था पंजाब में, इनको मिला आजकल जो पाकिस्तान में है। टू देम इट स्कैन लाइक ए मोंड, कि देखा गया कि ये एक टिब्बे जैसा है, एक टीले जैसा है, मोंड जैसा है। मोंड क्या होता है, ऐसा होता है, देखो ऐसा एक मोंड लाइक शेप में इनको मिला। मोंड क्या होते हैं, जैसे जो बौद्ध धर्मगुरु होते हैं ना, बौद्ध जो धर्म के लोग होते हैं या बौद्ध धर्म के जो शिक्षक होते हैं उनको जब दफनाया जाता है ना, तो इस मोंड लाइक शेप में उनको दफनाया जाता है। ओके, तो ये इनको ये मिला। That was a rich source of ready-made high quality bricks. यहाँ पर इनको एक बहुत अच्छी क्वालिटी की ईंटों का ये मोंड मिला। They carried of thousand of bricks from the wall of old building of the city built railway lines. Many building were completely destroyed. कि इनको जब ये हाई क्वालिटी के ब्रिक्स यहाँ पर ये सोर्स में मिले तो इनमें से हजारों ईंटें जो इस दीवार में लगी हुई थी उसको जो है रेलवे लाइन बनाने में यूज़ कर लिया गया। टू द सिटी द बिल्ड रेलवे लाइन, कि रेलवे लाइन बनाने में यहाँ पर यूज़ कर लिया गया। और बहुत सारे लोग यहाँ के जो पंजाब के थे वो यहाँ की जो ब्रिक्स थी उनको उठा ले गए और उन्होंने अपने घर हाउस वगैरह बना लिए, मतलब कि पूरी तरह से इसको लोगों ने यूज़ कर लिया यहाँ पर, ठीक है, और डिस्ट्रॉयड कर दी गई, ठीक है। आगे देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी, कि भाई सोचो कि कोई बिल्डिंग निकली हो नीचे से और लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार यहाँ तो ईंटें निकल रही हैं, तो लोगों ने उसका यूज़ कर लिया होगा, ठीक है ना। देखिए देन अबाउट 80 ईयर्स एगो, फिर 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि जो पुरातत्व शास्त्री थे फाउंड द साइट, उन्होंने इस जगह को ढूंढा एंड रियलाइज, फिर महसूस किया दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट। उन्होंने रियलाइज़ किया कि हमारे जो उपमहाद्वीप है, कॉन्टिनेंट का मतलब तो महाद्वीप होता है, कॉन्टिनेंट क्या होता है, कॉन्टिनेंट महाद्वीप होता है, लेकिन अगर सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है तो वो उपमहाद्वीप है, उपमहाद्वीप है। ओके, तो ये इन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों ने रियलाइज़ किया कि ये कोई पुरानी कोई जगह है, ये कोई पुराना कोई शहर है, कोई ओल्डेस्ट सिटी है ये इस सब कॉन्टिनेंट की। तब इन्होंने इसकी खुदाई करना, आगे इसको खोदना शुरू कर दिया। As this was the first city to be discovered, और इस तरह से इंडिया का सबसे पुराना पहला शहर हड़प्पा ढूंढ लिया गया, ठीक है, क्या ढूंढ लिया गया, हड़प्पा, ये देखिए हड़प्पा सिटी ढूंढ ली गई, फिर बाद में खुदाई की गई यहाँ पर। ओके, ऑल द ऑल अदर साइट फ्रॉम वर सिमिलर बिल्डिंग्स, ठीक है,
और दूसरी जगह पर भी इसी प्रकार की फिर बिल्डिंगें मिलने लगी, अदर थिंग्स उनमें भी नई नई चीज़ें दिखाई देने लगी, फाउंड डिस्क्राइब इज हड़प्पा, जो चीज़ें वहाँ से मिली उनको हड़प्पन जो है हड़प्पा की चीज़ें उनको बताया गया, जो सिमिलर बिल्डिंग्स के रूप में यहाँ पर मिली, मतलब कि ऐसी और बिल्डिंग जितनी भी मिली उनसे जो भी चीज़ें मिली वो लगभग हड़प्पन सिविलाइजेशन की चीज़ें कही गई। दिस सिटी डेवलप्ड अबाउट 4,700 ईयर्स एगो, कि ये जो शहर डेवलप हुआ था वो आज से 4,700 साल पहले डेवलप हुआ होगा, ऐसी उनकी बिल्डिंगों से पता चलता है। मतलब कि हड़प्पा वैली, हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मानी जाती है, वो 4,700 साल पुराना हो सकता है, उनके एविडेंस से हमें ये बात पता लगी। ओके, अब देखिए, वेरी ओपन प्राय क्या देखा जाता है, ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुल्ड डाउन टू मेक ए न्यू कंस्ट्रक्शन, की पुराने बिल्डिंगें तोड़कर वहाँ पर नए नए कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं। डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग, क्या आप सोचते हो कि पुरानी बिल्डिंगों को सुरक्षित रखा जाना ज़रूरी है? बिल्कुल सुरक्षित रखा जाना ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले फ्यूचर में उसको यूज़ किया जा सके। तो आई थिंक ये फर्स्ट पेज, द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ इन द अर्लीस्ट सिटी, आपको समझ आ गया होगा, इसमें हड़प्पा वैली के बारे में बताया गया, जो इंडस वैली का सबसे पुराना शहर था। ओके, समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर अब देखिए इसकी लोकेशन, यहाँ पर ये लोकेशन देखिए कि इनको ये किस तरह के ये सिटी मिला यहाँ पे। ओके, व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट दिस सिटी, इस सिटी का सबसे स्पेशल चीज़ें क्या थी, लोग इसको इतना इंटरेस्टिंग वे में क्यों देखते हैं? ठीक है, तो पहले तो ये देखिए सिटी यहाँ पर जो बनी हुई है, ये देखिए यहाँ पर हड़प्पा है और ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सब इंडस रिवर की हेल्पिंग रिवर है, मतलब कि ट्रिब्यूटरीज हैं। देखो ये है इंडस, आप देख पा रहे हैं ये है इंडस, ये देखो इंडस में और दूसरी रिवर भी आके यहाँ मिल जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, फिर इंडस आगे बढ़ती है, एक रिवर इधर पाकिस्तान से और एक और आकर मिलती है, देखो पाकिस्तान का एरिया, फिर ये इंडस रिवर आगे बढ़ती हुई आगे जाती है, जहाँ यहाँ एक मोहनजोदाड़ो नाम का भी शहर इनको इंडस वैली के किनारे मिला। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि इंडस रिवर सिविलाइजेशन जो है या सिटीज़ जो हैं वो ज़्यादातर नदी किनारों पर ही बसी हैं, मतलब नदियों के किनारे इनको पानी मिल जाता था, ये लोग एग्रीकल्चर कर लेते थे, तो इस तरह बहुत सारा इनको हेल्प मिल जाता था, तो इसीलिए ज़्यादातर सिविलाइजेशन नदी किनारों के आसपास ही बनी। तो जैसे अब ये पहला शहर यहाँ दिखाई दे रहा है इंडस रिवर पर बना हुआ मोहनजोदाड़ो, ठीक है ये पाकिस्तान के अंदर है। फिर उसके बाद एक शहर, एक और देखो ये यहाँ समुद्र के किनारे, समुद्र की जो लहर आती है, अरेबियन सी का जो एरिया है, सूतकोदगा, ठीक है इसको देखो सूतकोदगा, ठीक है इसको सूतकोगा कहते हैं, ये देखिए। उसके बाद एक और सिटी जो इसी के किनारे मोहनजोदाड़ो के बाद इंडस रिवर पर ही बनी, चहुंद्रो सिटी, चहुंद्रो, ठीक है। फिर इसके बाद फिर ये जब अरेबियन सी में ड्रेन करने के लिए आगे बढ़ती है तो यहाँ पर और भी छोटी छोटी सिटीज़ डेवलप हो गई थी गुजरात के आसपास, धोलावीरा और सूरकोतडा और उसके बाद लोथल, ये तीन सिटी और भी फेमस हुई। इसका मतलब इंडस रिवर के किनारे किनारे एक तो मोहनजोदाड़ो, इंडस रिवर के किनारे आगे बढ़ते हुए चहुंद्रो, फिर इंडस रिवर जहाँ ड्रेन करती है उसके बाद नियर बाई शहर धोलावीरा और सूतकोतडा और उसके बाद लोथल, तो ये तो इंडस के ही रिवर के ऊपर बसे हुए शहर थे मेन मेन। अब इंडस की ट्रिब्यूटरी, जैसे कि ये झेलम है, जैसे कि ये वाली झेलम है, ये वाली जो है झेलम है, देखो झेलम रिवर है, तो झेलम के किनारे भी लोग ज़्यादा डेवलप नहीं हुए, और चेनाब दूसरी वाली रिवर, मतलब कि झेलम, झेलम फिर चेनाब, ठीक है फिर रावी, फिर सतलुज, सतलुज और फिर बियास, ये पांच नदियां हैं जो इंडस की हेल्पिंग रिवर हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और व्यास, और इन्हीं पांचों नदियों से पंजाब का एरिया भी बना। पंजाब, पंजाब जो डेवलप हुआ वो इन्हीं पांचों रिवर की मेहरबानी से हुआ। देखोगे आप पंजाब पांच नदियों के संगम से बना, इसीलिए इसको पंजाब भी कहते हैं, पंजाब, ये देखो पंजाब का मतलब पांच नदियों का डिपोजिशन वाला एरिया पंजाब, ठीक है। तो पांच नदियां इंडस की कौन कौन सी थी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और व्यास, ये पांचों हेल्पिंग रिवर ने मिलाकर किसको बनाया, पंजाब को बनाया। अब देखिए जो इंडस की हेल्पिंग रिवर थी
रावी के किनारे कौन सा शहर एक और बना? हड़प्पा, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। कौन सी नदी किनारे? हड़प्पा। तो आप समझ जाओगे कि झेलम के किनारे मोहनजोदाड़ो, चहुंदड़ो, धोलावीरा, सुरकोतड़ा और लोथल, ये अंदर का एरिया था। ओके, उसके बाद हड़प्पा जो है रावी रिवर के किनारे, राखी घड़ी आप देखोगे सतलुज रिवर के किनारे, काली बंगन भी सतलुज के किनारे, ये सतलुज रिवर है देखो आप नीचे आ रही है, और यहाँ पर आप ये देखोगे ये व्यास रिवर है, व्यास, व्यास और चिनाब, व्यास और चिनाब, ठीक है। चिनाब देखो ऊपर से आ रही है, ये व्यास है और सतलुज है, ऊपर तीनों झेलम, चिनाब और रावी, ये तीनों लगातार है, फिर उसके बाद सतलुज और व्यास, ये नज़दीक नज़दीक हो गई। तो अब इस पर कौन कौन से एरिए हैं, जैसे हड़प्पा, इस पर कौन कौन से एरिए? हड़प्पा, हड़प्पा, ठीक है, राखी घड़ी और राखी घड़ी, ठीक है, उसके अलावा राखी घड़ी के अलावा काली बंगन, एक काली बंगन एरिया भी हरियाणा में बड़ा फेमस हुआ। ओके, और एक देखो यहाँ पर गहरीन वाला, ये देखिए गहरीन वाला, गरीन वाला एरिया भी बड़ा फेमस हुआ। ओके, तो इस तरह से ये एरिए लगभग लगभग इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन के नज़दीक नज़दीक फैले, और बहुत ही बेहतरीन सिटी प्लानिंग थी इनकी, ठीक है। कंफ्यूज़ नहीं होना बेटा, बिल्कुल सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको, इस मैप से पता लगेगा कि इंडिया में जो अर्लीस्ट सिटीज़ हैं वो नदी किनारे बसी हैं, इंडस के किनारे बसी, झेलम के किनारे, चिनाब, रावी और सतलुज, इनके किनारे ये अलग अलग जो है शहर बसे हैं। कितने हो गए देखो गिनो एक बार, एक तो मोहनजोदाड़ो हो गया, सुरकोतड़ा हो गया, उसके बाद चहुंदड़ो हो गया, धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, है ना, इसके अलावा हड़प्पा हो गया, राखी घड़ी हो गया, कालीबंगन हो गया, गहवरी वाला, ठीक है, गनवरी वाला एरिया जो है ये काफ़ी फेमस हो गया। तो इस तरह से ये पूरा एरिया बड़ा फेमस हो गया। अब देखिए हड़प्पा के बारे में आगे हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, हड़प्पा के बारे में नई चीज़ें समझ लेते हैं। देखिए, मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इन टू और मोर पार्ट्स, बहुत सारी शहर दो या दो से अधिक पार्ट्स में डिवाइड किए गए थे। यूजुअली द पार्ट ऑफ वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर, कि जो वेस्ट पार्ट होता था इन शहरों का वो छोटा होता था और ज़्यादा ऊंचा भी होता था। आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्व शास्त्री, इनको क्या कहते हैं? पुरातत्ववेता। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है आर्कियोलॉजिस्ट, कि पुरानी चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करता है आर्कियोलॉजिस्ट। पुरातत्ववेता, ठीक है, उसको पुरातत्ववेता हम कहते हैं, पुरानी चीज़ों के बताने वाला इंसान, ठीक है। आर्कियोलॉजी डिस्क्राइब दिस एज ए सीतादल, वो कहते हैं कि जो ऊंचा भाग है, जो वेस्ट में जो शहर के जो पुराने शहर जितने भी होते थे, जब उनको दो या दो से अधिक हिस्सों में बांटते, तो वेस्ट हिस्सा जो होता था, वेस्ट पार्ट जो होता था, वो छोटा होता था और ऊंचा होता था, इसको इन्होंने सीतादल नाम दिया। सीतादल, सीतादल मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पर ये लोग यज्ञ वगैरह करेंगे, यजना, क्या करेंगे? यजना, यज्ञ करने के लिए ये ऊंचा एरिया होता था। जनरली द पार्ट ऑफ ईस्ट, जो पूर्वी भाग होता था, वाज लार्जर बट लोअर, वो बड़ा होता था लेकिन वो नीचा रहता था, मतलब कि उतना ऊंचाई पर नहीं होता था जितना कि वेस्ट पार्ट होता था। ओके, मतलब शहरों का ये बता रहा है कि इनकी वेस्ट पार्ट ज़्यादा ऊंचाई पर रहता था और ईस्ट पार्ट नीचा रखा जाता था। ओके, हो सकता है रिवर फ्लो की वजह से ऐसा बनाया गया हो कि रिवर का फ्लो ज़्यादातर ईस्ट की तरफ रहता है, तो हो सकता है इस वजह से उन्होंने इसको इस तरह का शेप दिया हो। जनरली द पार्ट ऑफ ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर, कि वो ईस्ट का पार्ट लार्जर बड़ा होता था एंड छोटा भी होता था, नीचा भी होता था। दिस इज कॉल्ड लोअर टाउन, इसीलिए इसको ईस्ट वाले पार्ट को लोअर टाउन, यानी कि वेस्ट वाला पार्ट हो गया हायर टाउन एंड ईस्ट वाला पार्ट हो गया लोअर टाउन। वेरी ऑफन वाल वॉज बेक्ड ब्रिक्स वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट, कि ज़्यादातर मिट्टी की ईंटें जो होती थी, जो दीवार बनाने में यूज़ की जाती थी, वो पकाई जाती थी, उनको पक्का किया जाता था, आग में जलाकर उनको पक्का बना लिया जाता था, फिर उससे ये घर मकान बनाते थे। द ब्रिक्स वर सो वेल्ड बेक, उनको बहुत अच्छी तरह से पकाया जाता था। दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर, ठीक है, ये ईंटें आज भी हजारों साल से बिल्कुल वैसी की वैसी हैं, नज़र आती हैं। द ब्रिक लेड इन इंटरलॉकिंग पैटर्न्स,
ये ब्रिक जितनी भी होती थी, ईंटें होती थी, इंटरलॉकिंग पैटर्न से इनको जो है इनकी कंस्ट्रक्शन की जाती थी। दैट मेड वॉल स्ट्रॉन्ग, जिससे दीवार बहुत ही मजबूत हो जाती थी। इंटरलॉक का मतलब है, आप देखोगे ईंटों का जो है साइज कुछ इस ढंग से तैयार किया जाता था, इस तरह से इंटरलॉकिंग करती हुई ईंटें इनकी होती थी, इंटरलॉकिंग करती हुई। जो दूसरी ईंटें होंगी इस तरह से वो साइज उसका सेट कर दिया जाता था, इस तरह से, ये देखो इस तरह का साइज उनका सेट हो जाता था। ये देखिए अब ये यहाँ पर एक इंटरलॉक हो गई और ये आगे दूसरी ईंट इंटरलॉक हो जाएगी। तो इस तरह से ईंटें बनाई जाती थी, इंटरलॉकिंग करती हुई ये यूज़ की जाती ताकि वाल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। इन सम सिटीज़, कुछ शहरों में स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड, कुछ विशेष बिल्डिंगें भी बनाई जाती थी जिनको सीतादल कहते हैं। जैसे मैं बता रहा था, मैं सीतादल जो यज्ञ वगैरह करने के लिए ऊँचे स्थान बनाए जाते थे, ऊँची जगह बनाई जाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के रूप में मोहनजोदाड़ो एक ऐसा शहर, ए वेरी स्पेशल टैंक, वहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब भी बनाया गया, एक बहुत ही स्पेशल टैंक बनाया गया, विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल्ड द ग्रेट बाथ, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने महान स्नानागार भी उसको बताया कि सबसे बड़ा स्नानागार ये है। वॉज बिल्ट इन दिस एरिया, कि इस एरिया में वो बनाया गया था। दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स, ये ब्रिक्स की लाइनें बना बनाकर, ब्रिक्स को कंस्ट्रक्ट, ब्रिक्स के हेल्प से कंस्ट्रक्ट करके इसको बनाया गया था। और फिर उसके ऊपर प्लास्टर, यानी कि चूने का जो मटेरियल होता है उसको इसके ऊपर प्लास्टर कर दिया गया था, मतलब इसके ऊपर लिपाई करा दी गई थी। एंड मेड वाटर टाइट ए लेयर, ठीक है, नेचुरल टार, और जो नेचुरल टार होता है उससे भी इसके ऊपर एक वाटर लेयर बना दी गई थी ताकि पानी ज़मीन में ना रिसे और इसके ऊपर जो शैवाल और काई वगैरह भी ना लगे। तो उसके लिए नेचुरल टार का यूज़ करते हुए इसको तैयार किया गया। ओके, देयर वर स्टेप लीडिंग डाउन इट फ्रॉम टू साइड, कि इसके अंदर फिर अंदर जाने के लिए इस तालाब में सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी, दोनों साइड से उतरती हुई अंदर की सीढ़ियाँ, तालाब इस शेप में बनाया गया था। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम होता था इनका, ऐसा नहीं कि ये लोग मतलब कि बहुत दिमाग लगाकर ये तैयार करते थे। वाइल देर वर रूम्स ऑल साइड, और इस तालाब के ऊपर चारों तरफ रूम्स भी होते थे ताकि कोई जो बात करने वाला है वो यहाँ पर अपने क्लोथ चेंज कर सके। तो वो लोग यहाँ पर चारों तरफ, तालाब के चारों तरफ बहुत सारे रूम्स वगैरह भी बनाए गए थे चारों तरफ। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम ए वेल, पानी किसी कुएं से यहाँ पहुँचाया जाता था। एंड ड्रेन आउट आफ्टर यूज़, और फिर पानी जो है बाहर निकाल दिया जाता था साफ़ करने के लिए, ड्रेन आउट करने के लिए उसको एक स्पेशल जो एग्ज़िट पॉइंट से निकाल दिया जाता था। परहैप्स इम्पोर्टेंट पीपल्स टुक ए डिप इन दिस टैंक फॉर ए स्पेशल ओकेजन, ऐसा माना जाता है कि इस टैंक्स का यूज़, यानी कि जो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जाके जो यूज़ किया जाता है पानी का टैंक, वो किसी स्पेशल ओकेजन पे यूज़ किया जाता था और उसको कोई ख़ास इम्पोर्टेंट पीपल ही यूज़ किया करते, जैसे राजा हो गया या नोबल मैन हो गया, किंग हो गया, या फिर कोई नोबल मैन इसको यूज़ किया करता होगा। ठीक है, अदर सिटीज सच एज कालीबंगन जो हरियाणा में, लोथल जो कि गुजरात में, ठीक है, फायर अटायर्स, उनके अंदर फायर अटायर्स भी देखे गए थे, फायर अटायर्स यानी कि हवन कुंड भी देखे गए हैं। हो सकता है यहाँ पे हवन कराए जाते हों देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, तो ये चीज़ें होती थी। ओके, वेयर सेक्रीफाइस यानी कि जहाँ पर कोई परंपराएं निभाई जाती थी, वीन परफॉर्म, वो यहाँ पर कराई जाती थी। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा एंड लोथल हैड एलिबोरेट स्टोर हाउस, कि यहाँ मोहनजोदाड़ो में और उसके बाद हड़प्पा में और लोथल में अलग अलग जगह पर बहुत सारे स्टोर हाउस भी इनको मिले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो बहुत इजी लेसन है बेटा, बहुत इजी लेसन है। इन द अर्ली सिटीज़, सिटीज़ के बारे में हम पता कर रहे हैं, हड़प्पा के बारे में हमने देखा कि 4700 साल पुरानी सिटी हमें मिली, ठीक है, जिसकी ईंटें पहले कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ कर ली गई, मतलब रेलवे के कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ कर ली गई। हमने फिर सेकेंड पेज पर देखा कि इस जो 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 पुरानी पुरानी सिविलाइजेशन मिली, जो अर्लीस्ट सिटीज़ हमें मिली, वो ज़्यादातर रिवर बैंक्स के नज़दीक नज़दीक मिली हमें, जिसमें हमने हड़प्पा, राखी गढ़ी, कालीबंगन, गिरनवाला, ठीक है, मोहनजोदाड़ो, सूरकोतड़ा, और उसके बाद जो है धोलावीरा, चहुंदड़ो, ऐसी बहुत सारी सिटीज़ हमें यहाँ से मिली हैं। तो बहुत ही नॉलेजफुल है ये, इन्होंने बताया कैसे यहाँ पर सीतादल बनते थे और किस तरह से ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग इसको देखने के लिए आते थे। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये इसकी साइट दिखाई गई है हड़प्पा की, देखो कितना बेहतरीन साइट है ये खोद कर निकाली गई है। देखो ये सारा एरिया आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने खोद कर निकाला गया। आप देखोगे ये तालाब, देखो ये तालाब यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर पानी होता होगा, और ये उतरने के लिए सीढ़ियाँ ये देखिए, और ये लगभग चारों तरफ से बनी हुई हैं, ऐसे नहीं कि एक ही साइड से उतर रहा होगा, इधर से भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इधर से भी उतरने के लिए जगह बनाई गई है ऐसे इस साइड से। तो ये तालाब के अंदर सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। और यहाँ देख रहे हो आप ये वाले, ये रूम्स, ये देखिए ये रूम्स हैं जो कि बाथिंग आफ्टर बाथिंग यूज़ किए जाते होंगे, ठीक है। ग्रेट बाथ, ये महान स्नानागार जो हमें मिला। ओके अब देखिए इसके बाद हाउस ड्रेन एंड स्ट्रीट की गलियां और नाली की व्यवस्था और घर मकान ये लोग कैसे बनाते थे, बहुत ही बेहतरीन गलत अलग तरीके से यूज़ किए जाते थे। देखो अब यहाँ पर ये एक तालाब को जो है दोबारा से रिपेयर कर रहे हैं ताकि इसकी ईंटें जो है थोड़ी सही रह सकें और इसको सही यूज़ किया जा सके। ओके ये देखिए हाउस ड्रेन्स एंड स्ट्रीट। ओके जनरली हाउसेज वर आइदर वन और टू स्टोरीज हाइज, कि घर जो होते थे पुराने ज़माने में यानी कि हड़प्पा वैली या इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में, वो एक या दो मंजिल के ही होते थे। रूम बिल्ट अराउंड ए कोर्टयार्ड, कि जो है कमरे जो भी बनाए जाते थे तो आंगन के चारों तरफ बनाए जाते थे। मोस्टली हाउस हैड ए सेपरेट बाथिंग एरिया, और जितने भी घर होते थे उनका एक अलग ही नहाने के लिए जगह होती थी। सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, ठीक है, सम हैड वेल टू सप्लाई वाटर, कि कुछ इसमें से पानी की सप्लाई करने के लिए भी रखे जाते थे, ठीक है। मैनी ऑफ दिस सिटी हैज़ कवर्ड ड्रेन, कि बहुत सारी जो नालियों की व्यवस्था थी वो ज़्यादातर ढक कर रखी गई थी, बहुत सारे शहरों की नालियाँ ढकी हुई मिली, पत्थर की सिलपट्टियाँ उनके ऊपर ढककर उनको बीमारियाँ ना हों इस चीज़ से बचाने के लिए उनको ढका गया था। ओके नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट, आपने ध्यान दिया होगा कि ये किस तरह से इनके प्लानिंग बनाया गया होगा, लेआउट किया गया होगा, स्ट्रेट लाइन सीधी लाइनों में इनको जो है किस तरह से डाला गया होगा। ऑल दो फिर भी यू कैन नॉट सी इट, फिर भी तुम आप इसको अब देख नहीं पाओगे। ईच ड्रेन हैड ए जेंटल स्लोप, कि हर एक नाली का एक अपना एक जेंटल स्लोप होता था, मतलब पानी आसानी से निकल जाता था। वेरी ओफन ड्रेन इन हाउस कनेक्टेड दीज ऑन द स्ट्रीट, घर की जो नालियाँ होती थी वो जो गली की नाली होती थी उससे कनेक्टेड होती थी। स्मॉल ड्रेन इनटू ए बिगर वन, और फिर छोटी नालियाँ बड़े नाले में खुल जाती थी, बड़ा जो नाला होता था बिग उसमें ये खुल जाती थी। एज द ड्रेन वर कवर्ड, जैसे इनकी नालियों को ढका गया। इंस्पेक्शन होल्स आल्सो इन इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड इन एट इंटरवल टू क्लीन दैम, ठीक है, कुछ इंस्पेक्शन होल्स भी बनाए गए थे ताकि नालियों की सफाई अच्छे से हो सके। ऑल थ्री हाउस ड्रेन एंड स्ट्रीट वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम, कि जो तीनों चीज़ें घर नालियों की व्यवस्था और जो गलियां होती थी उसको पूरी तरीके से प्लान करके ही बनाया जाता था, और वो एक ही समय में लगभग तैयार की जाती थी, ठीक है। तो इन स्ट्रीट्स के बारे में आज हमने डिस्कशन किया, बहुत ही बेहतरीन शहर हड़प्पा मोहनजोदाड़ो, और जो जो हमने इस मैप में भी देखा, चोहुंदड़ो हो गया, धोलावीरा, सूतकोदड़ा, लोथल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह हैं। और आगे आने वाले पार्ट 2 में हम इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे किस तरह से ये लोग अपनी लाइफ जीते थे, लाइफ इन द सिटी, ओके, और उसके बाद किस तरह के खिलौने वगैरह बनाए जाते थे, और न्यू क्राफ्ट इन सिटीज़ में क्या शुरू होने लगा था, और जो जो मूर्तियाँ यहाँ से मिली उनके बारे में डिस्कशन होगा। इसके अलावा जो रॉ मटेरियल ढूंढने के लिए लोग अलग अलग जो सिविलाइजेशन के लोग थे वो किधर किधर जाते होंगे, किधर किधर शहर पे या किधर किधर जो है अलग अलग सिविलाइजेशन में जाते होंगे उनके बारे में भी समझाया जाएगा। और फिर ये लोग खाना यानी कि भोजन या एग्रीकल्चर की व्यवस्था कैसे होती थी उनके बारे में भी बताया जाएगा। ओके नेक्स्ट वीडियो में फूड फॉर द पीपल इन द अर्ली सिटी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आई थिंक आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आएगा, और आज ये पार्ट 1 हम यहाँ ठीक है कंप्लीट करते हैं। ओके बाय बेटा। ओके।